ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे गुडविल के क्वेश्चंस, जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा और उसकी जर्नल एंट्रीज, लेजर मेकिंग बनाना हम सीखेंगे। ओके, नाउ बिफोर वी टेक अप द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक बार हम फिर से बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट इज चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, देयर आर फाइव इश्यूज इन्वॉल्व्ड। नंबर वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, दैट इज जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली सारे पार्टनर्स की न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसका ट्रीटमेंट। थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व, सरप्लस एंड लॉसेस। फोर्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। ठीक है, सो हमारा स्टेप वन जो यहां पांच इश्यूज जो है हमारे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो उन पांचों इश्यूज में फर्स्ट इश्यू है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन। सो ये पार्ट हम कर चुके हैं। सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू पार्टनर है उसको बिजनेस में शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स का, तो उसके अगेंस्ट ही इज टू ब्रिंग गुडविल। तो जितना उसका गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट बनता है, मतलब अगर वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आया है तो वो फर्म के गुडविल का 1/4 पार्ट लेकर आएगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो बांट देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, मतलब जिन लोगों ने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया है उनको प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम पे कर दिया जाता है। सो इन केस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी होती है। सो लेट अस जस्ट रिवाइज द एंट्रीज इन वन गो। इसमें क्या क्या केसेस आ जाते हैं, जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम लेके आ रहा है तो हमें ये देखना होगा प्रीमियम वो पूरा अमाउंट ला पा रहा है या कम लेके आ रहा है। ठीक है ना, अगर वो पूरा ला रहा है तो फाइन, अगर वो कम लेके आता है तो जो डिफरेंस है वो उसके कैपिटल और करंट अकाउंट में से एडजस्ट होते हैं। सेकेंडली, वो जो अमाउंट लेके आ रहा है वो कैश में ला रहा है या काइंड में ला रहा है। तो जब कैश में लेके आते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट टू प्रीमियम कहते हैं, और अगर वो काइंड में लेके आते हैं तो वेरियस एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। और जितना अमाउंट वो नहीं ला रहा वो उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में से जाता है। मान लो उसका शेयर बन रहा है गुडविल का 50,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 50,000, ही कैन ब्रिंग 30,000। तो 30,000 तो कैश में आ गया, लेकिन जो नहीं आ पाया 20,000, वो उसे अपनी कैपिटल या करंट अकाउंट में से देना पड़ेगा। सो वो बाकी का पैसा उसके अकाउंट में से निकालेंगे। सिंपल सी बात है ना, जब एक नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया, उसको प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा देना शुरू कर दिया। मान लो आपका बिजनेस का प्रॉफिट था 30,000, दो पार्टनर थे, तो अब तक तो वो बराबर दो में बट रहा था 15-15। अब एक नया पार्टनर आ गया, मान लो उसको आपने 1/3 शेयर दिया, तो अब आपका जो 30,000 का प्रॉफिट है अब वो तीन लोगों में बटेगा। तो जहां पहले आपको 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब से आपको वो 10,000 मिलेगा। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। सो इस सेक्रीफाइस के बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। सो सबसे पहली एंट्री होती है गुडविल का प्रीमियम लाने की। लाने के बाद ये जो प्रीमियम आया, प्रीमियम फॉर गुडविल जब आया तो क्रेडिट किया, अब इसे बांट दो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये उनमें बांट दिया। ठीक है, बांटने के बाद क्या है, या तो वो फॉर्म में रखेंगे या निकाल लेंगे। अगर फॉर्म में रख रहे हैं तो फिर तो कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फॉर्म में पैसा आया और फॉर्म में रह गया, सो रिटेन करने की एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर पार्टनर कहें कि हमें निकालना है तो उसको विड्रॉ करने की फिर एंट्री हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट फॉर विड्रॉल्स। तो ये हमारी मेन तीन स्टेप की एंट्रीज हैं, प्रीमियम का आना, प्रीमियम का बटना और प्रीमियम का विड्रॉ होना। तो ये तीन स्टेप्स हमारी अकाउंटिंग फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल में आते हैं। बट इससे पहले कि आप प्रीमियम लेके आओ, अगर आप फर्म में आ रहे हो तो आप पहले कैपिटल लेके आओगे, कैपिटल ब्रॉट इन। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के लाने की एंट्री करोगे, उसके बाद आप एंट्री करोगे गुडविल ब्रॉट इन। तो जितना भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा अपने शेयर के अकॉर्डिंगली, उसको लाने की एंट्री करोगे। इसके तीन केसेस हैं,
केस ए पूरा अमाउंट कैश में आ रहा है, केस बी पार्शियल अमाउंट आ रहा है, केस सी काइंड में आ रहा है, काइंड पार्शियल पेमेंट एंड फुल पेमेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द केस उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आप बांट देते हो इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करोगे विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको विड्रॉ करने की एंट्री कर दोगे। तो ये तीन एंट्रीज होती हैं गुडविल की, प्लस एक और एंट्री आती है इसमें कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो उसको आपको खत्म करना होगा, क्योंकि अब आपके पास नई वैल्यूएशन आ गई है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो रही है। सो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स इज कैंसल्ड, तो उसको आपको कैंसिल करना होगा। तो गुडविल एज एन एसेट डेबिट बैलेंस शो हो रहा था, तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो आप क्रेडिट कर देंगे बुक वैल्यू एज गिवन, और ये कहां से जाएगी, आपके ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में से इसे कैंसिल करेंगे। तो क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशियो में, बिकॉज ये गुडविल पहले से है, ये कोई चेंज नहीं हुआ है, ये पहले से अवेलेबल थी, सो पुरानी रेशियो में पार्टनर्स आपस में इसे कैंसिल कर देंगे। सो ये मेन है गुडविल में हमें ये एंट्रीज करनी है, पुरानी गुडविल खत्म कर दो, जो नई आ रही है उसके लाने की एंट्री करो, उसको बांट दो, और अगर विड्रॉ हो रही है तो विड्रॉल की एंट्री। सो ये एंट्रीज आपकी टोटल कितनी हो गई, 5 एंट्रीज अब तक हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमें एंट्रीज करनी है गुडविल के लिए। सो नाउ वी विल सी कि जो केसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम गुडविल की एंट्री करेंगे और अकाउंट बनाना सीखेंगे। सो लेट अस टेक अप वन एग्जांपल, रवि एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3 रेशियो, दे एडमिट सोनू फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है। एक नया पार्टनर आपके पास आ गया 1/4 शेयर के लिए, और आपकी न्यू रेशो क्या हो गई है, 3:3:2, रेशो चेंज कर दिया आपने। जब हमारी न्यू रेशो आ जाती है तो हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो सॉल्व करनी पड़ती है, ओके। सो सोनू ब्रॉट इन 1 lakh rupees फॉर कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल, तो क्लियरली दे दिया इतना कैपिटल इतना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल कैश में आ रही है, पूरा अमाउंट आ रहा है, अमाउंट आएगा अमाउंट बटेगा, ये तो करना ही है। देन रवि एंड मोहन डिसाइडेड टू विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉल की एंट्री भी हो जाएगी। सो गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स, सो एंट्रीज करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ विद द गिवन बैलेंसेस। अब एंट्री करने से पहले हमें पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और सेक्रीफाइजिंग रेशो, क्योंकि हमें न्यू रेशो दे दी तो सेक्रीफाइजिंग रेशो सॉल्व होगी, ओके। सो रवि मोहन और न्यू पार्टनर हो गया सोनू, सो ओल्ड रेशो थी 2:3, सो 2/5, 3/5, न्यू रेशो है 3:3:2, सो 8 हो गया टोटल, 3/8, 3/8 एंड 2/8, सो शेयर सेक्रीफाइज्ड कितना, शेयर सेक्रीफाइज हो गया ओल्ड माइनस न्यू, सो 2/5 माइनस 3/8 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे ये आ गया 1/40, मोहन के लिए कितना आया 3/5 माइनस 3/8 ये हो गया आपका 9/40, और न्यू पार्टनर के पास कुछ भी नहीं था पहले, सो इसलिए उसका गेन आ जाएगा, ये हो जाएगा गेन, बिकॉज इसको नया शेयर मिला है, ये गेन कर रहे हैं, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ रवि एंड मोहन अगर हम सॉल्व करें तो 1:9 बनती है, ठीक है ना, ये हो गई सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो जो भी प्रीमियम है वो इस रेशियो में बटेगा। अब हमें करना क्या क्या है, जर्नल एंट्रीज करनी है और अकाउंट्स बनाने हैं। सो फॉर जर्नल एंट्रीज सो पहली एंट्री क्या होती है, कैपिटल लेके आने की, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये आ गई कैपिटल लेके आने की एंट्री 1 lakh। दूसरा वो क्या लेके आ रहा है,
36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल की याद रखो चार एंट्रीज हैं। पहली एंट्री होती है गुडविल लेके आने की, सो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये या तो हमें दे रखा होता है कितना लेके आ रहे हैं, नहीं तो वो अपने प्रोपोर्शन में लाते हैं। मान लो गुडविल की वैल्यू दे रखी होती 2 लाख, तो उसका शेयर है 1/4, तो वो 2 लाख का 1/4 लेके आएगा। यहां वो खुद दे रखा है अमाउंट, तो हमने एज इट इज ले लिया। अब गुडविल आ गई, अब गुडविल बांट दो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी गुडविल आई है वो आपको बांट देनी है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। सो रवीज कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, सो इन्हें कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं। तो गुडविल आई थी 36,000, जितनी आई है उतनी बांटनी है। तो अब ये किस रेशो में बटेगी? रेशो है 1:9, मतलब 1/10, 9/10। सो 1/10 हो गया 3600 रवि का, और इसको 9/10 मिलेगा, सो ये कितना हो जाएगा 32,400। गुडविल आ गई, गुडविल बट गई। नेक्स्ट एंट्री होती है गुडविल को विड्रॉ करने की, अगर गुडविल विड्रॉ हो रही है। सो क्या लिखा है? रवि एंड मोहन डिसाइडेड टू विड्रॉ द अमाउंट्स, कितना? हाफ। तो अगर विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना कितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे? हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ मतलब जितना मिला है उसका हाफ। तो जैसे रवि को मिला है 3600, तो रवि उसका हाफ विड्रॉ करेगा, 3600 का हाफ 1800। मोहन को मिला है 32,400, तो वो उसका हाफ विड्रॉ करेगा 16,200। सो इन ऑल हाफ गुडविल आपके विड्रॉ हो गई। सो इस तरह से हम विड्रॉल की एंट्री करेंगे। सो कैपिटल आ गई, गुडविल की तीन एंट्रीज हो गई, और फाइनली अगर कोई गुडविल बुक्स में पहले से है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहां पर तो कोई गुडविल दे नहीं रखी थी, अगर दे रखी होती तो हम रवि और मोहन के अकाउंट से गुडविल को कैंसिल कर देते। सो अभी तक हमने जो एडमिशन के प्रोसेस में समझा है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो, और उसके बाद एंट्रीज। एंट्रीज एक कैपिटल की, तीन न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक पुरानी गुडविल को एडजस्ट करने की। इसके बाद हमें कहा गया है कि यू कैन मेक गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? आपको कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एंट्रीज पोस्ट करनी होती हैं। अगर एंट्री हमारे पास है तो हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है, हम एंट्री को सोच के भी यहां पर सीधे अकाउंट भी बना सकते हैं। सो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट हैज अ पॉजिटिव ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब अगर कैपिटल बढ़ेगी तो पॉजिटिव क्रेडिट साइड में आएगा, अगर कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट साइड में आती है। याद है ना इक्वेशन A=L+C, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट, इसका पॉजिटिव डेबिट है और इनका पॉजिटिव क्रेडिट है। तो कैपिटल जब भी आपकी बढ़ेगी क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। सो स्टार्टिंग विद द बैलेंसेस, तो हमें बैलेंसेस दे रखे थे रवि और मोहन के 1,50,000 एंड 2 लाख। इस बैलेंस के बाद जो ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री करो। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? पहली एंट्री कैपिटल की, दूसरी एंट्री गुडविल की। सो कैपिटल में सोनू कैपिटल लेके आया है, सो बाय कैश और बैंक अकाउंट सोनू की कैपिटल आ गई 1,00,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री क्या है? गुडविल जो आएगी वो पार्टनर एज अ प्रीमियम लेके आएगा, तो वो उसके नाम से नहीं आएगी, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो तो गुडविल देने के लिए ला रहा है। तो गुडविल को लाने की एंट्री कैपिटल में नहीं आ सकती, लेकिन लाने के बाद ये बटेगी। जब ये प्रीमियम पार्टनर्स में बटेगा तो किस किस को मिल रहा है? रवि और मोहन को। तो हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख देंगे। अब गुडविल थी 36,000 की, रवि को मिला 3,600 और मोहन को मिला 32,400। सो गुडविल आई, गुडविल बट गई, अब विड्रॉ हो रही है। सो जब गुडविल मिली थी कैपिटल बढ़ गई, आपने क्रेडिट कर दिया, जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको कैपिटल कम हो जाएगी। अगर आप बिजनेस से पैसा निकालते हो तो आपकी कैपिटल कम होती है, तो अब कितनी होगी? जितनी गुडविल मिली थी उसका हाफ, तो ये इसका हाफ ले जाएगा, और ये इसका हाफ मतलब दिस इनटू 1/2, सो 16,200 ये ले गया। फाइनली अगर पुरानी गुडविल हो उसे कैंसिल करना होता है। देखो सीरीज में ये चीजें याद रखो, कैपिटल की रिकॉर्डिंग, गुडविल में प्रीमियम फॉर गुडविल की, और ओल्ड गुडविल को कैंसिल करने की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का, फिर आपका रिवेल्यूएशन का आएगा, और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर ये हम स्टेप्स याद रखेंगे तो हम हमेशा चीजें ठीक से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनली हमें कोई भी अकाउंट बनाना है तो एंड में क्या करना होता है?
एंड में हम अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। सो अब आप इस अकाउंट को बैलेंस कर दो, मतलब दोनों साइड में टोटल किया और डिफरेंस निकाल लिया तो बैलेंस कितना आ गया 1,51,800। यहां पर 2,32,400 है, सो 2,16,200 डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस और सोनू की कैपिटल आ गई 1,00,000। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बैलेंस और फाइनली हम बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देते हैं। सो 1,51,800, 2,16,200 एंड 1,00,000, तो ये आ जाएगी हमारी कैपिटल अकाउंट्स। सो इस तरह से हम कोई भी एंट्रीज करनी हो और अकाउंट्स बनाने हो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सो आई होप गुडविल की एंट्री आपको क्लियर है, अकाउंटिंग आपको क्लियर है। एक चीज लास्ट याद रखना, जो भी हम एंट्रीज करते हैं वो हम कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के सब कुछ कैपिटल में ही डालेंगे। बट अगर क्वेश्चन कह दे कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, इन दैट केस ये सब कुछ करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। जितनी गुडविल है, रिवेल्यूएशन है, सब करंट अकाउंट में जाएंगे। ऑफकोर्स कैपिटल कैपिटल में जाएगी, ये तो वो कैपिटल ला रहा है, यहां मत करंट अकाउंट कर देना गलती से भी, ये तो कैपिटल ला रहा है ना, कैपिटल में जाएगा, बाकी सब करंट अकाउंट बना रहे होंगे टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चन। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।